नवरत्न किचन में आपका स्वागत है। मैं रीना गुप्ता। देखिए आज हम बना रहे हैं ये पुदीना का चटनी। गर्मी में खाना चाहिए, पुदीना का चटनी खाने से पेट ठंडा रहता है और बहुत औषधीय गुण है इसमें, इसको गर्मी में खाना चाहिए। तो देखिए इसका हम फ्रेश पुदीना ले लिए हैं और इसका पत्ता पत्ता ऐसे तोड़ लेंगे। पत्ता पत्ता तोड़ के इसको अच्छा से धो लेंगे। देखिए इस तरह से तोड़ लेना है। चलिए तब इसको हम तोड़ लेते हैं। देखिए इसको हम तोड़ के और धो के ले आए हैं और इसमें लगेगा एक मिर्चा और हाफ चम्मच नमक, इमली का पल्प 2 से 3 चम्मच, गुड़ 4 चम्मच। आप अपना हिसाब से जैसा मीठा खाते हैं उस हिसाब से गुड़ डाल सकते हैं इसमें। तो हम पुदीना के हिसाब से सब ले लिए हैं, पुदीना जितना है उस हिसाब से। बाज़ार में एक बंडल आते हैं ना, वही एक बंडल पुदीना है इसमें। तो ये पुदीना को हम इसमें डाल देते हैं मिक्सी जार में, और मिर्ची, नमक, तब इसमें नमक डाल देते हैं, हाफ चम्मच नमक है छोटा चम्मच से, मीठा, नमकीन और खट्टा और तीखा, सारा टेस्ट इसमें आएगा। अब गुड़ देखिए इसमें है, गुड़ को डाल देते हैं। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। चलिए तब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए चटनी तैयार है, इसको हम ग्राइंड करके ले आए हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी चटनी तैयार हुआ है, खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा सब है इसमें। और सबसे बड़ा बात है कि इसमें औषधीय गुण है, जो गर्मी में इसको खाना चाहिए ताकि आपका पेट में अगर गर्मी लग रहा है, जलन हो रहा है, गैस हो रहा है, कुछ भी पेट का बीमारी है तो इससे ठीक होता है और टेस्टी का टेस्टी भी है। तो इस तरह से बना के खाएं और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको चटनी। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।